नमस्ते लेडीज एंड जेंटलमैन, एज अ पार्ट ऑफ रिक्वेस्ट एंड यू नो वेदर यू से इट एज अ रिक्वेस्ट वेदर यू से इट एज मोटिवेशन वॉट एवर इट इज वॉट एवर दैट आई हैव बीन डूइंग सो फार दिस वीडियो रिकॉर्डिंग्स और वॉट एवर यू से You know, I also need certain kind of motivation at first place. And secondly, I am doing it because I wanted to give it back to the society. I also spend a lot of time and burn more energy as well. Just give that small bit of it or the small part, you know, where, you know, if you could really think that, yes, whatever he is telling, let's try listening to it and give that small bit of support. It could be cash or kind or whatever it is. If you can donate small bit of it, my channel would be really thankful to you and I would be able to produce much better results. It's a request and I also commit mistake and mistakes as well. I'm also normal human being. Please do correct. If you think that I have committed mistake, I am telling wrong at any place, please do correct me. You can always call me on my phone number 912-137-9100. This is what is my GPay number as well. And the phone pay number also is the same if you see. Though I am sharing those details with you. And in case if you have any suggestions or questions, please feel free to send it across to the email address of naradlaramachandra@yahoo.com or simple smith123846@gmail.com. Small part of donation, whether it is cash, whether it is kind, whether it is help or whatever it is, will really motivate individuals like me to do videos like this. I appreciate your patience. I thank again for watching my videos in advance. Please do like, subscribe, share. Stay blessed. Have a real blissful life. May the Guru's grace be with all. Have a nice day ahead.
नमस्ते। अस्य श्री शुद्ध शक्तिमाला महामंत्रस्य उपस्थ इंद्रियादि वरुण आदित्य ऋषि दैवी गायत्री छंदः सात्विक कारवट्टारिक पीठस्थित श्रीमत् कामेश्वरांक निलया श्रीमत् कामेश्वरी देवता ऐं बीजं क्लीं शक्तिः सौकीलकं श्री देवी खड्ग सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अस्य श्री ललिता सहस्रनाम स्त्रोत्र माला महामंत्रस्य वशिन्यादि वाग्देवतर्ष्यः अनुष्टुप छंदः श्री ललिता परमेश्वरी देवता श्रीमद्वाग्भवकूटेति बीजं मध्यकूटेति शक्तिः शक्तिकूटेति कीलकं श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी प्रसाद सिद्धिद्वारे चिंतित फलप्तथ्य फलाप्यर्थ्य फलाप्यस्यर्थे जपे विनियोगः। सिंदूरा अरुण विग्रहां त्रिनेनां मालिक्य मौली स्फुरत तारा नायक शेखरां स्मृतमुखी पानी वक्षोरुहा मापीन वक्षोरुहां पाणिभ्य मणिपूर्ण रत्न चषकं रक्तोत्पलं भिप्रतीं सौम्यं रत्न घटस्थ रक्त चरणां ध्यायेत् परा अंबिकां अरुणां करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशां कुशपुष्पबाणचापां अनिमादिभिरावृत्तं मयूखै रहस्यमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थं विकसितवदनां पद्मपात्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रं करकलितलसदेम पद्मां वरांगीं सर्वा अलंकारयुक्तां सततमयभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शांतमूर्तिं शकलसुरनुतं सर्वसंपत्प्रदात्रीं सकुंकुम विलेपना मल्लिकचुंबिकस्तूरिकां समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशाङ्कुशां अशेषजन मोहिनी अरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकां। ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूत दैव कार्य समुद्यता उद्यद्भानु सहस्राबा चतुर्बाहु समन्विता रागस्वरूप पाषाढ्या क्रोधाकरांकुशोज्वला मनोरूपेक्षुकोदंड पंचतन्मात्र सायिका निजारुण प्रभापुर मज्जत ब्रह्मांड मंडला चंपकाशोक पुन्नाग सौगंधि कलसत्कचा कुरुविंदमणि श्रेणी कनत्कोटीर मंडिता अष्टमी चंद्र विभ्रज दलिकत्सलशोभिता मुखचंद्र कलंका मृगनाभि विशेषका वदनस्मर मांगल्य ग्रह तोरण चिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी पारिवाही चलन्मिनाभिलोचना नवचंपक पुष्पाभा नासादंड विराजिता तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण भासुरा कदंबमजरी कृप्त कर्णपूर मनोहर ताटंक युगली भूत तपनोडूपमंडला पद्मराग शिलादर्श पारिभावी कपोलविभु नवमी द्रूम बिंबश्री न्यक्कारि रदनच्छद शुद्ध विद्यांकुराकुरा द्विज पंक्ति द्वयोज्वल कर्पूर वीटि कामोद समाकर्षि दिगंतरा निज संलाप माधुर्य वनिर्भस्तीर कचपी मंदस्मित प्रभापूर मज्जत कामेश मनसा अनाकलित सदस्य चिबुक श्री विराजिता कामेश्वर कामेश्वर वध कामेश्वर वद मांगल्य सूत्र शोभिता कंदार कंकांगद केयूर कमनीय भुजान्विता रत्न ग्रैवेय चिंतलोल मुक्त फलान्विता कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपन्न स्थनी नाव्यालवाल रोमाली लता फलकुचद्वयी लक्षया रोम लताधरत समुनेय मध्यमा स्तनभर दलन मध्य पटबंध वलित्रया अरुणारुण कौंसुभ वस्त्र भास्वती कटितटी रत्न किंकिणीक राम्य
रशन दाम्य भूषिता कामेश ज्ञात सौभाग्य मार्दवोरु द्वयान्विता माणिक्य मुकुटाकार जानुद्वय विराजिता इंद्रगोप परक्षिप्त स्मरतुनाभि जांदिक गूढ़ गुल्प कर्म पुष्ट जैष्णु प्रपदान्विता नखदीदित सिंचन नमज्जन तमोगुण पदद्वय परा प्रभा जल पराकृत सरोरुह सिंजान मणिमंजरी मणिमंजीर मंडित श्री पदाम्बुज मराली मंदगमन महालावण्य सेवदिहि सर्वारुण नवद्यांगी सर्वाभरण भूषिता शिव कामेश्वर कांस्त शिव स्वाधीन वल्लभा समेरु मध्यस्थ श्रृंगार श्रीमन्नगर नायिका चिंतामणि ग्रहांतस्थ पंच ब्रह्मासन स्थिता महापजटा विसंस्थित कदंबवन वासिनी सुधा सागर मध्यस्थ कामाक्षि कामदायिनी देवर्षि गण संध्यात स्थूय मनात्म वैभवा भंडासुर विद्योदुक्त शक्ति सेन समन्विता संपत्करी समारूढ़ सिंदूर व्रज सेविता आश्वारूढ़ाधीष्टस्त्वाश्वकोटिकोटिभिरारुत्ता चक्रराज रथारूढ़ सर्वायुध परिष्कृत गेय चक्ररथारूढ़ मंत्री परिसेविता करीचक्ररथारूढ़ दंडनाथ पुरस्कृत ज्वालमालिका ज्वालमालिनी काक्षिप्त वाहनी प्रकार मध्यगा भंडासैन्य विद्योदुक्त बा शक्ति से शक्ति विक्रम हर्षिता नित्य पराक्रम टोप निरीक्षण समत्सुका भंडासुर विद्योदुक्त बाल विक्रमनंदिता मंत्रिण्यंबा विरचित विशंग विदतोषिता वधतोषिता विशुक्र प्राणहरण वराही वीर्यनंदिता कामेश क्या मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा महागणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षित भंडा सुरेंद्र निर्मुक्त शास्त्र प्रत्यशास्त्र वर्षिणी करांगुली नकोत्पन्न नारायण दशाकृति महापाशुपताश्त्राग्नि निर्दग्धा सुर सैनिका कामेश्वरा शास्त्र निर्दग्ध सभंडा सुर शून्य का ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्थित वैभवा हर नैत्र संदग्ध काम संजीवन औषधि श्रीमद्वाग्भव कूटैक स्वरूप मुख पंकज कंठादा कटिक कंठादह कटिपर्यंत मध्यकूट स्वरूपिनी शक्तिकूटैक तापन कट्य दोभागधारिणी मूल मंत्रात्मिक मूल कुटत्रय कलेबरे कुलमृतैक कुल रसिक कुल संकेत पालिनी कुलांगन कुलांतस्थ कौलिनी कुल योगिनी अकुला समयांतस्थ समयाचार तत्पर मूलधारैक निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी मणिपुरांतरूदीत विष्णु ग्रंथि विभेदिनी आज्ञा चक्रांतरालस्थ रुद्र ग्रंथि विभेदिनी सहस्रांबुजारूढ़ सुधा सरा विवर्षिनी तडिल्लता समरुचि षट चक्रोपरि संस्थिता महाशक्ति कुंडलिनी विस्ततंतु तनीयसी भावनी भवानी भावनागम्य भवारण्य कुठारिका भद्रप्रिय भद्रमूर्तिर्भक्त सौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्य भक्तिवश्य भयापहा शांभवी शारदाराध्य शर्वाणी शर्मदायिनी शांकरी श्रीकरी साध्वी शरश्चंद्र निभानना शतोदरी शांतिमती निराधार निरंजना निर्लेप निर्मल नित्य निराकार निराकुल निर्गुण निष्काम शांत निष्काम निष्काम निर्प्लवा नित्य मुक्त निर्विकार निष्प्रपंच निराश्रय नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध निर्विद्य निराग निरावाध्य निर्वाध्य निरंतरा निष्कारण निष्कलंक निष्कलंक निरूपाधि निरीश्वरी निर्रागराग मतनी निर्मद मदनाशिनी निर्मोह मोहनाशिनी निर्मम ममता हंत्री निर्मम निश्रवंत निरहंकार निर्मोह मोहनाशिनी निर्मम ममता हंत्री निष्पाप पापनाशिनी निष्क्रोध क्रोध शमनी निर्लोभ लोभनाशिनी निःशंशय संशयिनी निर्भव भवनाशिनी निर्विकल्प निराबाध निराभेद भेदनाशिनी निर्नाश मृत्युमथनी निष्क्रिय निष्परिग्रह निस्थूल नील चिकुरु निरप्पया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहंत्री सुखप्रदा दुष्ट दुराचार दोषमनी दोषवर्जिता
सार्वज्ञ सांद्र करुणा समानाधिक वर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमंगल मंगल सद्गतिदायिनी सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमंत्र स्वरूपिणी सर्वयंत्रात्मिके सर्वतंत्र रूप मनोन्मयी महेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी मूढ़ प्रिया महारूप महापूज्य महापातक नाशिनी महामाय महासत्व महाशक्तिर महारति महाभोग महेश्वर्य महेश्वर्य महा महावीर्य महाबला महाबुद्धिर महासिद्धिर महायोगेश्वरेश्वरी महातंत्र महामंत्र महायंत्र महासना महायाग क्रमाराध्य भैरव महाभैरव पूजिता महेश्वरी महेश्वर महाकल्प तांडव महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषीत्र महात्रिपुर सुंदरी चतुष्षष्टि चतुष्षष्टिकलामयी महाचातुष्षष्टिकोटि योगिनी गणसेविता मनुविद्य चंद्र विद्य चंद्रमंडल मध्यग चारु रूप चारु हास चारु चंद्र कलाधरा चराचर जगन्नाथ चक्रराज रकेतना पार्वती पद्मनयन पद्मराग समप्रभा पद्मपेच पद्मप्रेत सनासीन पंच पंच ब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानंद विज्ञान धन रूपिणी ध्यान ध्यातृ ध्येय ध्येय रूप धर्मा धर्म विवर्जिता विश्वरूप जगारिणी स्वाव जगारिणी स्वपंति तेजसात्मिक सृप्त प्रज्ञात्मिक तुर्य सर्वावस्थ विवर्जिता सृष्टिकर्ती ब्रह्मरूप गोत्री गोविंद रूपिणी संहारिणी रुद्र रूप तरोधान करीश्वरी सदाशिवग्नु सदाशिवानुग्रह पंचकृत्य पारायण भानुमंडल मध्यस्थ भैरवी भगमालिनी प्रशन भगवती पंचासन भगवती पंचानन सहोदरी उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली सहस्र सहस्र शीर्ष वदना सहस्राक्षि सहस्रपात आभ्रम कीटि जननी वर्णाश्रम विदायिनी निजज्ञ रूप निगमा पुण्या पुण्या फलप्रदा ऋतु सीमंत सिंदूरी कृतक पादाम्बुज धूलिका सकलागम संदोह शक्ति संपूट मौक्तिका पुरुषार्थ प्रद पुरुषाद प्रद पूर्ण भोगिनी भुवनेश्वरी अंबिका नादि निधना हरि ब्रह्मेन्द्र सेविता नारायणी नादरूप नाम रूप विवर्जिता हीमकारी हिमती हिमा हयोपादेय विवर्जिता राजराजार्जित राम्य राज्ञ राज्ञ राम्य राजीवलोचना रंजनी रमणी रम्य रनकिंकिणी मेखला राम रखेन्दु वतना रति रूप रति प्रिया रक्षाकरि राक्षसंध राक्षसंध्नी रामा रमण लंपटा काम्य कला रूप कदंब कुसुम प्रिया कल्याणी जगती जगती कंद करुणा रस सागरा कल्याणी कलावती कलालाप कांता कदंबरि प्रिया वरदा वामनयनी वारुणी मदवहवली विश्वादिक वेद वैद्य विंध्य विंध्याचल निवासिनी विदात्री वेद जननी विद्या विष्णु माया विलासिनी क्षेत्र स्वरूप क्षेत्रेशी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पालिनी क्षय बुद्धि विनिर्मुक्त क्षेत्र पाल समर्चिता विजया विमला वंद वंदारु जनवत्सला वाग्वादीन वामकेशी वाहनिमंडल वासिनी भक्तिमत् कल्पलतीक पशुपाश विमोचिनी संहताशेष पाषाण्ड सदाचार प्रवर्तिका तापत्र यज्ञि संतात समाहदे समाहमदन चिंतिका तरुणी तपासार तापसाराध्य तनुमध्य तमोपाहा
ऐं मङ्गुष्ठाभ्यां नमः क्लीं तर्जनीभ्यां नमः सौ मध्यमाभ्यां नमः सौ अनामिकाभ्यां नमः क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ऐं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ऐं हृदयाय क्लीं शिरसे स्वाहा सौ शिखाय वशट् सौ कवचाय हूं क्लीं नेत्रत्रयाय ॐ शं ऐं अस्त्राय फट् भूर्भुवस्वरौ इति टिक्पन्तः हे ग्रहानुकूलस्थानस्य सर्वलोकगोत्रोद्भवस्य नमस्ते लेडीज एंड जेंटलमैन एज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू वेदास एंड उपनिषद्स लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग रामा एंड सीतास इनकार्नेशन एंड देयर एग्जिस्टेंस नाउ most of us have a question definitely yes we need to have what is this ramayana and why valmiki had to have that intuition to talk about ramayana as a whole What is it? The point is, as I was speaking in Apaurusheya point of view, in my previous episodes of 50 episodes, if you really see, all had very common sounds. Akara, सरे सरे ग सरे गरे 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 स गरे सरे ग म म गरे म गरे म गरे सरे ग म म म रे ग म म म म स म स म स स ग म स ग म सरे ग म ग म ग सरे ग म रे म रे म रे सा नाउ इफ यू रियली सी The very point here, these saptaswaras are ending with makara bija again. All of them having that the base level study of akara, ukara, ikara, imkara, e plus ma, ikara, e, and when it adds to makara bija. That's where lies the, whole of the universe, which is more or less talking about the Aham Brahmasmi. Brahma Satyam Jagat Nitya Brahma Iva Jivo Naparaha. Purnamidam Purnamadah Purnamidam Purnat Purnameva Vashishyate. Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. एकम अद्वितीयम ब्रह्मा ब्रह्म अस्मि तत्वम असि नाउ इफ यू रियली लुक एट होल ऑफ दिस व्हेन दिस मल्टीवर्स व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड व्हिच हैज ऑलमोस्ट लाइक अराउंड अराउंड 100 बिलियन गैलेक्सीज एंड दिस human consciousness which has around 65 billion neurons it has to really have that practical significance right so now if we really try to compare it like right if we really want to interrelate or get that relationship happening right there has to be something called something mediation am I correct So this has to be one question. So there has to be something called Anu and Paramanu concept. When we talk about Anu and Paramanu concept, this is where actually like one needs to understand about that Akara, 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 Makara,
औकार ऐकार एंड स्ट्रांग ना स्ट्रांग ना साउंड एंड स्ट्रांग अणा साउंड. नाउ इफ वी रियली लुक एट दीज बीजाक्षरस दिस इज वेर द वेरी बर्थ ऑफ द कामा एंड थैंक्स टू ब्रिटिशर्स एंड मुस्लिम्स अगेन for contaminating this contaminating this beautiful word kama, which has a divine, which is divine in its own sense. This word kakara akara makara akara kama has been divine in its own sense. One needs to understand even before the incarnation of Rama and Sita, who are embodiments and amshas of Kameshwara and Kameshwari, Prakriti and Purusha, Shiva and Shakti. Understand this, ladies and gentlemen. From the viewpoint of energy source, there are two energy sources. One is what you call positive energy and negative energy. Though energy is like, you know, but that generates with the intuition or whatever meditation, what happens is, this is where that energy one needs to convert himself or herself. This is what actually is missing right through centuries. Years have passed. Centuries have passed. Not everyone could understand the real meaning of this energy source that comes from. Even these marriage rituals wherein it happens between masculine and feminine, so-called male and female. During that intercourse, what happens is, we need to understand that is the Prakriti and the Purusha aspect. Ladies and gentlemen, think about it. And this is where, you know, that kama aspect comes into picture. And that is the reason why, if you really see this kama word, okay, Kameshwari, Kanchi Kamakshi, Madurai Meenakshi, this kakara bija, akara bija, makara bija and akara bija has that primal importance. Think about it, ladies and gentlemen. When Valmiki, with his intuition that he got through penance, you know, he had to create characters, right? Those characters needed to come to reinstate and reinstall the dharmic aspect of the multiverse or the universe that is being created by so-called Brahma. Who is Brahma again? One who understands Brahman. Again here, Nakara, Brahman. Makara, Hakara. Again. Think about it, ladies and gentlemen. That is the reason why I always stress upon the understand the etymological meaning of the words Rama, Sita, Dasharatha, Kaushalya, Kaikeyi, Manthara, Surapanaka, Ravana. Think about it, ladies and gentlemen. Ravana, if you really see, Akara is coming, ending with Akara came. Surapanaka,
सुरा एंड असुरा एस्पेक्ट कैकेयी अयंकारा अगेन अयंकारा इज अगेन अकारा प्लस ईकारा प्लस मकारा अयम अयम बीजा हियर कैकेयी कौशल्या कौशल्या ककार औकार ए अकार एंड उकार आर मिक्सिंग टुगेदर हैव दैट इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस एटिमोलॉजी लेडीज एंड जेंटलमैन हियर द प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग टू गिव यू इफ यू रियली सी इन ललिता सहस्रनामा इट इज टॉकिंग अबाउट सकलागम संतोह शक्ति संपूट मौक्तिक सकलागम सकला गम शक्ति विच शक्ति इट इज टॉकिंग अबाउट दट काम एस्पेक्ट ककार अकार मकार एंड अकार विच इज अगेन द पार्ट ऑफ ओंकार अकार उकार मकार ईकार एंड ईकार पुरुषार्ध प्रद पूर्ण भोगिनी भुवनेश्वरी भुवनेश्वरी भुवा प्लस ना प्लस ए प्लस ईश्वरी भुवनेश्वरी अंबिका नादी अंबिका मकार आएगे नारायणी नाद रूप नाम रूप विवर्जिता नारायणी नारायणी नारा प्लस यणि नरा प्लस यणि अगेन हियर राज राजार्चित राज्ञे राज्ञे रम्य राजीवलोचना वाट राजीव इट इज टॉकिंग अबाउट दट विराट स्वरूप विच हैज दोस क्वालिटीज ऑफ राजीव रा प्लस अजीव आजीव Rakara, Rakara again has that divine, you know, interception. Understand this, ladies and gentlemen, which lives for Ajiva, Rajiva, Rajiva Lochana, Ranat Pinkini, Mekhala, Rama Rakendu, Rama Rakendu Vadana Rati Rupa. रति प्रिया रामा काम्य कलारूप कदंब कुसुम प्रिया प्रिया व्हाट इज दिस प्रिया अगेन प्रिया इज अगेन सिनोनिमस टू कामा द भाव एंड अनुभाव एस्पेक्ट कम्स इनटू पिक्चर व्हेन वी टॉक अबाउट कामा दोज भावास एंड दोज अनुभावास विच हेल्प ह्यूमनॉइड और द ह्यूमन एग्जिस्टेंस हैव अ नियर टू परफेक्ट लाइफ लेडीज एंड जेंटलमैन अंडरस्टैंड दिस Kama is a divine word in itself. That is the reason why Kanchi Kamakshi, Madurai Meenakshi, Kanchi Kama plus Akshi. It has all of the matrikas. Which I will be explaining, which I will be talking about in detail
First, let me just give you the brief introduction about this. And kama plus ishwari, kama, kakara, akara, makara, akara, ikara, shakara, vakara, akara, rakara, ikara, inkara again. Kameshwari, kameshwara again. Ishwara, akara again. When this akara and ikara, akara plus ikara plus makara come together, they form a kind of energy which is more positive, and that is the reason why, you know, this for this universe to survive, for this universe to survive, one needs to have a harmonious and a healthy surroundings. That is where Anu and Parmanu's concept comes into picture. That is where this human existence primal importance comes into picture. That is what is atom and subatom. When akara plus kameshwara plus kameshwari happens, okay, kama is one of the word, though it is a word, ladies and gentlemen, don't take this word very light, very light. It is a one of the divine word. Try not to contaminate with the negative meaning of it. Today, most of the marriages, most of the relationships, most of the, you know, whatever you say, misunderstandings, misconceptions, fights, in terms of religion or whatever it is, we have failed to understand the word called kama, kameshwari, kameshwara. Akara plus ikara plus ikara plus ikara plus makara, imkara also. It's a hard-coded word which needs to be understood by and large to the core. And that is the reason why in Natya Shastra you do Namaskara to Bhumata. Again, Bhumata is sorry about that. Bhumata or Bhudevi is one of the anshas of Kameshwari Devi. Interestingly, rishis and munis have created the text Natya Shastra. That was the one of the prime reason, ladies and gentlemen. It has that referral point. Specifically, akara bija and ikara bija and imkara bija and makara bija. Ikara as well. That is why Shri Mata Shri Maharagni Shrimat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Daiva Karya Samudhyata Udyat Bhanu Sahasraba Chatur Bahu Samanvita Rakaswarupa Pashadya Krodha Karankushojvala Mano Rupekshu Kodanda Kodanda Panchatan Matra Sayika Nijaruna Prabhapura Majjat Brahmanda Mandala Champaka Shoga Punnaga Saugandika Lasatkacha Kuruvindamani Shreni Kanat Koti Ramandita Ashtami Chandra Viprajadalikat Salashokita. It engulfs everything, ladies and gentlemen. Think about it.
Kama is one of the word which one needs to understand, get introduced even before understanding the very incarnation point, very incarnation and the very existence of Rama, very important existence of the story so-called Ramayana and Mahabharata as well. And this is where actually one needs to, one will be getting the understanding about the what really the etymological meaning of Rama, Sita, Dasharatha, Kaushalya, Kaikeyi, Manthara, Surapanaka, Ravana. These are the central characters, ladies and gentlemen, understand this. If only these characters never existed, Ramayana would not have existed. Even that, the word Kama, when being not used properly, Ravana never used the Kama word properly. Even in Bhandasura Vadha, okay, if you really see, he was fascinated with the external beauty. This is where Antarmukha Samaradhya, Bahirmukha Sudurlabha comes into picture. Think about it, ladies and gentlemen. It's a very hard-coded point. Thus, I conclude this video with a positive note. Stay blessed. Have a real blissful life. May the Guru's grace be with all. Have a nice day ahead.